यूपी के कन्नौज जिले में जिला एकीकरण समिति की बैठक महज एक मजाक बनकर रह गई है। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी व विभागों के कर्मचारी तो मौजूद रहे, लेकिन जिनके आमंत्रण पर बुलाई गई बैठक में वो खुद नदारद रहे। साथ ही जिले का कोई भी जन प्रतिनिधि मौजूद नहीं रहा। बैठक में जिले के विकास व भाईचारे दशा व दिशा पर चर्चाएं होती है। जिला अधिकारी कार्यालय के सभी को सरकारी चिट्ठी जारी कर सूचना दी गई, लेकिन इसके बावजूद जिले की तीनों विधानसभा के विधायक, एमएलसी, जिला पंचायत अध्यक्ष भी मौजूद नहीं थे। जन प्रतिनिधियों की ना मौजूदगी में लोगों ने विरोध भी किया। लोगों का कहना था कि बैठक में जन प्रतिनिधियों का आना जरूरी होता है। यहाँ जैसे विधायक तीन है, तीन विधायक इसके सम्मानित सदस्य है, इसपे जिला अधिकारी महोदय भी सदस्य है, एसपी महोदय भी सदस्य है, और समाज के जो अग्रणी लोग हैं, मुखिया हैं, वो भी इसके सदस्य होते हैं। और ये कौमी एकजुटी का परचम लहराने का उद्देश्य यहाँ का मैसेज होता है, सद्भाव एकता का प्रतीक है। ये लोग नहीं आए, क्या मैसेज जाता है ये इनका ना आने का मैसेज है। जनता के बीच में एक निराशा पैदा होती है कि भाई कहीं पे दो दिलों को एक करने का है। जहाँ पर हमारे जनप्रतिनिधि जब हमारा मैसेज देंगे तो समाज में एक अच्छा मैसेज जाएगा। तो जनप्रतिनिधि नहीं आए? नहीं आए। कौन नहीं आए यहाँ पर? यहाँ पे सम्मानित जिला पंचायत अध्यक्ष जो है वो मिसिस कटियार, वो और सम्मानित विधायक कैलाश राजपूत उमरदा तरवा से, अनिल दोहरे सदर से, और अर्चना पांडे जी छिबरामऊ विधानसभा से विधायक है, वो ये सम्मानित सदस्य है, और जिला अधिकारी इसके सदस्य नहीं है, ये भी नहीं है। एसपी महोदय जी की तरफ से भी कोई नहीं आया।